हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो एरिया अंडर द कर्व चैप्टर के हम तीन लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम सीखने जा रहे हैं, बेसिकली लास्ट लेक्चर में ही मैंने इसका आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। और ये टॉपिक है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स। एरिया अंडर द कर्व्स का ही सेगमेंट आप बोल सकते हैं। और बेसिकली 99% क्वेश्चन, मतलब चांसेस होते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स इसी पैटर्न पे आता है ना। तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझेंगे, बहुत बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से समझा है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब इसमें क्या है, जिनको ग्राफ बनाना अच्छा लगता है ना, जो मतलब ग्राफिकली प्रॉब्लम देख के एनालाइज कर सके कि हाँ यार ये रीजन है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ही आपने देखो, जैसे ही आप ग्राफ बना लेंगे ना, किसी भी कोई भी क्वेश्चन आया है एरिया अंडर द कर्व का, तो जैसे ही आप ग्राफ बना लेंगे तो आपका 90% काम वहाँ पर हो जाएगा। आपको ग्राफ से पता चल जाएगा कि यार मुझे किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है और उसको मैं कैसे निकालूंगा। तो कल लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया है एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स या एरिया ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। तो जब भी हमें दो कर्व्स दिए हुए होते हैं, मान लो एक कर्व दिया हुआ है वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और एक और है वाई इज अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो फंक्शन रहते हैं हम। और मान लीजिए ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये कर्व है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये दोनों कर्व्स ने एक दूसरे को कहाँ पर काटा, ये हो गया इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। ये क्या हो गया, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया आपका, आप इसको नाम दे सकते हो एक्स वन वाई वन और इसको नाम दे सकते हो एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस, मतलब ये दोनों कर्व ने जहां पर एक दूसरे को काटा उससे बाउंड होने वाला रीजन कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है ना। तो इस रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एरिया ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। तो इस रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करें कि भाई यहां से लेकर यहां तक जितनी जगह इस कर्व ने ऑक्यूपाई की है उससे मैं क्या करता हूँ, यहां से लेकर यहां तक जितनी जगह इस कर्व ने ऑक्यूपाई की है उसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली एरिया रिक्वायर्ड, एरिया क्या हो जाएगा हमारा, मतलब यहां से लेकर यहां तक, आप चाहो तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर सकते हो एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एरिया ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो, जी ऑफ एक्स माइनस, यहाँ मॉड इसमें लगाया गया। आप देखो ये जो है ना, ये पूरा कर्व, ये पूरा कर्व यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितना जगह ऑक्यूपाई किया है उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक किसने कितना किया है उसका कर दूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास इतना रीजन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो या ऊपर वाले को नीचे से वाले से करो, एरिया तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही क्वान्टिटी है एरिया हमेशा। तो अगर इनकेस कभी नेगेटिव आ जाता है तो आप मॉड लगा लीजिए तो ऑटोमेटिकली आपका एरिया पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बेसिकली यही है कॉन्सेप्ट आपका एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स के लिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन के मीडियम से हम इसको अच्छे से कवर करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी हमें एरियाज जब निकालने होते हैं तो देखो, जब ये वाला एरिया है ना बाउंडेड बाय टू कर्व्स, तो मैंने क्या किया, इसको इस एरिया से सब्ट्रैक्ट किया। तो अब जैसे मैंने आपको साइन एक्स के लिए, अगर आपको याद हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया ना, साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, और ये होता है 90, ठीक है ना, ये होता है 90। तो यहाँ पर बेसिकली ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है और मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया था 0 से लेकर 90 तक साइन को और कॉस को रहने के लिए एक यूनिट जगह लगती, मतलब ये हो गया 90, ये पाई बाई टू, पाई बाई टू पे 1। तो जितनी जगह यहाँ पर लगती है उतनी जगह यहाँ लगती है, उतनी जगह यहाँ लगती है उतनी जगह यहाँ लगती है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था 0 से लेकर n पाई तक अगर साइन एक्स या कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो 2n आता है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इसको टुकड़ों में भी ऐड कर सकते हो ना, इसका एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, है ना। तो कहाँ एरिया जोड़ने हैं और कहाँ एरिया घटाना है वो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए। अब जैसे ये तो दो कर्व्स थे, इन्होंने बाउंड किया यहाँ पर, तो ये वाला रीजन जिसका एरिया मुझे निकालना है तो यहाँ मेरे को सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन यहाँ पर अगर मेरे को टुकड़ों टुकड़ों में सबका इंडिविजुअल एरिया निकालना है, हालांकि सबका एरिया बन ही आएगा,
लेकिन वो वन कैसे आ सकता है? एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मैंने आपको बताया, या फिर आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में भी जोड़ जोड़ के भी तो कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर इस केस में हमने जोड़ा, इस केस में हमने एक कर्व के एरिया को दूसरे कर्व के एरिया से माइनस कर दिया, इतना रीजन निकालने की। तो ये है हमारा बेसिक आइडिया टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ठीक है? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के मीडियम से इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। तो पैराबोला का भी ग्राफ आपको आता है, लाइन भी आता है ना। तो अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले जब भी दो कर्व्स के इंटरसेक्शन का एरिया हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि वो देखिए कि ये कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किन किन पॉइंट्स पे करेंगे, है ना? तो आप सबसे पहले क्या करिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा लीजिए। तो कर्व की इक्वेशन दे रखी है x2 = 8y, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है x - 2y + 8 = 0। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y = x + 8, है ना? इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब ये y का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो 1 में, मतलब y = क्या हो जाएगा हमारा, x/8/2, है ना? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, x/2 + 4, ठीक है ना? ऐसे भी लिख सकते हो, x/2 + 8/2 = 4, ठीक है ना? सो 2y = x + 8 हो गया, तो y = ऐसा हो गया। अच्छा, अब ये जो y का वैल्यू है x/2 + 4, ये वैल्यू आप y का इसमें डाल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो सिनेरियो कैसा हो जाएगा, x² = 8 × x/2 + 4, ठीक है? ऐसा हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x² = 8x/2 = 4x, ठीक है ना? ऐसा हो जाएगा, 8x/2 = 4x, एंड 8 × 4 = 32 हो जाएगा, +32 = 0, ठीक है? सो हाँ, x² = 8। अच्छा, अब होगा ये, सो ये हो गया x² - 4x - 32 = 0, क्वाड्रेटिक बन गई, स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म को, तो x² - 8x + 4x - 32 = 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, x - x - 8 + 4 - x - 0, तो x की वैल्यू या तो -4 होगी या फिर 8 हो जाएगा, है ना? x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, -4 या फिर 8, ठीक है ना? तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो जब x = -4 होगा, तो y कितना हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में डाल दो आप, है ना? तो जब x = -4 होगा, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 = 8y, तो y = 2। तो वेन x = -4 y = 2, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये मिल गया। और जब x की वैल्यू 8 होगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 8 का स्क्वायर 64, 64 = 8y, तो y = 8, है ना? ठीक है ना? x की वैल्यू जब 8 होगी, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 8 को 8 बार काट देगा, तो y का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो अब मुझे पता चल गया मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए, मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए -4, 2 and 8, 8, ठीक है? ये मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, ठीक है? मतलब हमें ये पता पड़ गया कि ये जो कर्व और लाइन जाएगा ना, काटेंगे कहाँ एक दूसरे को, इन पॉइंट्स पे वो एक दूसरे को कट करेंगे। तो अब बना लीजिए ग्राफ। अब आई थिंक अब आप समझदार हो, पैराबोला और लाइन कुछ इस तरीके से बनाओ कि वो इनको यहाँ पर काटे, है ना? पैराबोला की शेप भी आपको आती है और लाइन की शेप भी आती है, तो बनाइए चलिए। सो पहले पैराबोला बना लीजिए आप, x स्क्वायर का पैराबोला है ना, ऐसा होता है, ये हो गया मेरा x² = 8y, ठीक है? और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या है हमारे, एक तो -4, 2, यानी x - 4, y - 2, x का -4 कहीं इधर ले लो, थोड़ा कहीं दूर ले लो, चलो
एक्स का माइनस फोर कहीं यहाँ बता दो और वाई का टू कहीं यहाँ बता दो, तो ये कहाँ मिलेंगे, कहीं लगभग इधर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया माइनस फोर कॉमा टू, माइनस फोर कॉमा टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व पे ये हो गया। और एट कॉमा एट तो क्या होगा, दोनों फर्स्ट एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, तो आठ भी यहाँ पर, ये भी आठ भी यहाँ पर कहीं मान लेते हैं ये, ठीक है। ये हो गया मेरा एट कॉमा एट, ठीक है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा लाइन कैसे आ रही होगी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो लाइन यहाँ से तो आ नहीं रही होगी, है ना। कैसे आ रही होगी लाइन, ऐसे आ रही होगी ना, कोई ये ठीक है, आगे इस तरीके से ये लाइन, ये हो गई इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना। ये हो गए मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कितना एरिया फाइंड आउट करना है मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था आप x के रेस्पेक्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की लिमिट लगाइए, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में करते हैं, सॉरी तो मैंने आपको बताया था ये कर्व ये लाइन मतलब यहाँ पर कट करा है यहाँ पर, और हमें ये वाले रीजन का एरिया निकालना है, तो एक कर्व के एरिया से दूसरे कर्व के एरिया को माइनस कर दो, मॉड लगा दो, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ, है ना। अब देखिए मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करना चाहता हूँ, मान लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में करना चाहता हूँ, तो मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, मेरी लिमिट हो जाएगी माइनस फोर से लेकर एट तक, है ना। तो माइनस फोर से लेकर एट मेरी लिमिट्स हो जाएगी, एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन ने जितनी भी जगह ली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन ने जितनी भी जगह ली है माइनस इस कर्व की जगह को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो लाइन का देखो, या तो आप इससे इसको माइनस कर दो या इससे इसको, कुछ भी चलेगा, मॉड लगा दो बस, है ना। यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ मैं ताकि हमारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट वाई, हमें वाई के फॉर्म में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट वाई, तो वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एट, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई एट माइनस वाई के टर्म्स में ये क्या हो जाएगा, अभी अभी बताया था मैंने आपको, वाई के टर्म्स में ये हो जाएगा एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाई टू, है ना। तो माइनस एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाई टू, इसका इंटीग्रेशन हमें कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू माइनस फोर से लेकर एट, है ना। अच्छा आपको इंटीग्रेशन करना है, हमें लिमिट्स बाद में लगा लेंगे एक साथ। एक्स स्क्वायर बाई एट का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई ट्वेंटी फोर, देख लीजिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई थ्री, तो थ्री एट या ट्वेंटी, माइनस एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन अगर मेरे को करना होगा, माइनस एक्स बाई टू, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, टू टू जा फोर, ठीक है। और ये माइनस ये प्लस, तो माइनस होगा, और 8 अपॉन 2 का मतलब होता है 4, तो 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x। ये हो गया मेरा इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन। अब यहाँ मैं लगा दूंगा लिमिट्स, जो कि है मेरी माइनस 4 से लेकर 8, ठीक है। लिमिट्स लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिमिट्स तो अब आप लिमिट्स अप्लाई कर ही सकते हैं दुनिया में, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इस पूरे फंक्शन को पहले 8 से करो, 8 क्यूब अपॉन 24 माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 8 फोर जा, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस फिर माइनस 4 को लगाओ वो हो जाएगी लोअर लिमिट, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप अब हम कैलकुलेशन में तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लिमिट सॉल्व करना तो आपको आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो इस स्टेज पर आके हमारा जो आंसर है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 36, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा
36 ये हो जाएगा। और ऑफ कोर्स स्क्वायर यूनिट्स में हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया बेसिकली ये वही एग्जांपल हो गया, एक कर्व और एक लाइन, एरिया ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए। सबसे पहला काम यही करिए आप कोई भी कर्व, जैसे ये तो बहुत आसान है ना, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, 6x है, 5x, ये सब तो ओरिजिन से जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं देंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, तो फिर ये कर्व ऐसे ओरिजिन से पास नहीं होगा ना। तो उस वक्त अगर ये कर्व बनाना नहीं आया तो आपको क्या हेल्प करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत हेल्प करेगा। जैसे ही आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लोगे ना, अपने आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू x क्यूब एंड y इक्वल टू रूट x। अच्छा, y इक्वल टू x क्यूब क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक फंक्शन है बेसिकली। तो आप सबको याद होगा x क्यूब का ग्राफ है ना, 11th क्लास में हमने पढ़ा था x क्यूब का ग्राफ इस तरीके से होता है ना। इसका एक फेयर आइडिया ले लीजिए आप, y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ ऐसा होगा और y इक्वल टू स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट ऑफ x। तो अंडर रूट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब अंडर रूट के अंदर हम नेगेटिव नंबर तो डाल नहीं सकते है ना। तो जीरो या जीरो से अधिक नंबर, जीरो या जीरो से बड़ा नंबर डालेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव डाल नहीं सकते और आउटपुट भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता था अगर आप लोगों को याद हो तो, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता था है ना, इस तरीके से कि आप x की वैल्यू नेगेटिव नहीं डाल सकते, अगर नेगेटिव डालोगे तो इमेजिनरी मिल जाएगा, जीरो डालोगे तो पॉजिटिव, जीरो डालोगे तो जीरो, और कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे तो y भी पॉजिटिव ही मिलेगा आपको है ना। तो इस तरीके से, और इसके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक फंक्शन के लिए ऐसा कोई मसला था नहीं x क्यूब के लिए बेसिकली। तो यहाँ पर नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, जीरो डालोगे तो जीरो मिलेगा। तो ये होता था x क्यूब का ग्राफ और ये होता था रूट x का ग्राफ। अब दोनों ग्राफ को अगर मैं मिला दूं तो ये x क्यूब का है और रूट x का ग्राफ ऐसे जाता है ना। तो मतलब मैं समझ गया कि ये कर्व एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे तो इंटरसेक्ट करेंगे। देखो ना, ग्राफ से पता चल गया, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना होगा, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। बेसिकली आपको अगर ग्राफ याद है ना, या ग्राफ बनाने आते हैं, और ग्राफ को सीखने से आप खुद भी तो बना सकते हैं ग्राफ, लेकिन प्रिफरेबल सजेस्ट यही करूंगा मैं आपको कि याद रहे ये 10-12 फंक्शंस के ग्राफ, तो हमारा काफी समय बचेगा है। तो y इक्वल्स टू x क्यूब सबको पता है और y इक्वल्स टू रूट x, अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन भी 0 से इंफिनिटी, रेंज भी 0 से इंफिनिटी है ना, लेकिन इसका क्या माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अच्छा, तो मतलब मुझे ये पता तो चल गया, ग्राफ पहले मैंने रफ दिमाग में बनाया और मुझे ये पता चल गया कि यार कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगे, तो वो निकाल लेते हैं पहले है ना। तो एक तरह का y इक्वल टू x क्यूब और एक तरह का y इक्वल टू रूट x। तो इस अब ये रूट का इलाज क्या होता है यार, या तो आप यहीं पे इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पर आपके पास आया y स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x। अब ये y स्क्वायर इक्वल टू x आ गया, तो अब ये x का वैल्यू y स्क्वायर आप यहाँ डाल दो, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू x का वैल्यू y स्क्वायर डाला आपने तो y स्क्वायर का क्यूब, तो हो जाएगा y की पावर 6। तो y इज इक्वल टू y की पावर 6 है ना। तो क्या हो जाएगा इससे, अब इससे आप है ना, या तो सीधे बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू y से एक पावर कट जाएगी तो y की पावर 5 इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस y की पावर 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन आ गया, तो 1 माइनस y की पावर 5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, या फिर 1 माइनस y की पावर 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर 1 माइनस y की पावर 5 0 है तो y की पावर 5 इज इक्वल टू 1, तो किसी भी नंबर की पावर ऑड है और अगर वो पॉजिटिव 1 है तो y क्या होगा, 1 ही होगा, तो y 1 हो जाएगा। y की दो वैल्यूज आ गई, वाई या तो 0 होगा या फिर y 1 होगा, ठीक है ना। देखो ना, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट काट देते तो आपको एक ही वैल्यू है ना, लेकिन आप काटो मत, इसको अंदर लेके जाओ तो दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि y की पावर 6 है ना, इवन है ना। तो y इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर y 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, फिर डालो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 0, x भी 0,
when y is equals to 0, x is also equals to 0. And when y is equals to 1, कहीं भी डालो, x cube is equals to 1, कब होगा? जब x 1 होगा. तो y 1 पे x 1, ठीक है ना? तो अब बना लो ग्राफ. तो ग्राफ का आइडिया अब आपको आई क्या होगा, आपको आता ही है y बराबर x cube का जवाब ऐसा आता है ना, ये होता है y is equals to x cube. और y is equals to root x कैसा होता है? y is equals to root x ऐसा होता है, ठीक है ना? यह है y is equals to x cube और यह है y is equals to root of x, ठीक है? तो कितना एरिया काम आ गया आपके, आपका एरिया ये तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए हमने. x 0 y 0 तो एक तो आ गया 0, 0, बिल्कुल सही है. देखो 0, 0 और एक आया 1, 1, ये रहा 1, 1, है ना? आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो ये 0, 0 एंड 1, 1 मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिख ही रहा होगा अपन को कि हमें क्या कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकाल. तो माइनस कर दो एक एरिया को दूसरे एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, किसके रेस्पेक्ट में करना चाहते हो? जिसके रेस्पेक्ट में x की लिमिट भी 0 से 1 है, y की लिमिट भी 0 से 1 है. x के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, फॉर्मेशन ऐसे ही करते आ रहे हैं. तो 0 से 1 यहाँ dx लिख दो, मॉड लगा दो ताकि आंसर नेगेटिव आए, तो भी हम पलट दें उसको. y क्या है? पहले वाला y है x क्यूब माइनस रूट x, ऐसे कर दो. तो सीधे दे रखा है ना, y के फॉर्म में ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है. y x क्यूब माइनस अंडर रूट ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा. सो आई होप समझ में आया होगा. चलो मैं ही कंप्लीट कर देता हूँ इसका इंटीग्रेशन. बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x रेज़ टू 4/4, और रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 × 2/2, ठीक है? ये आ जाएगा, मॉड लगा देना. अच्छा ये लिमिट्स लगा देना, यहाँ पर 0 से लेकर 1 मॉड लगा देना ताकि नेगेटिव ना आ जाए आंसर, है ना? तो ठीक है भाई, अपर लिमिट 1 है, तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, तो 1 की पावर 4 1/4, माइनस यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो 1/4 − 2/3 हो गया अपर लिमिट. माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो काम तमाम है, 0, 0 एवरीवेयर 0, तो ये 0, ये मॉड लगा दो. सो 1/4 − 2/3 कितना आ जाएगा? 3 − 8 = 5, 5/12 आ जाएगा आंसर, है ना? 5/12 आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसा हो जाएगा, 5/12 आपका आंसर हो जाएगा. 4 और 3 का LCM 12 हुआ, 3 के टेबल में 12 4 बार 4 और ये 3 2, हाँ एक सेकेंड वापस चेक कर लेते हैं. 4 3 12 ये हो गया 3 − 3 4, हाँ 4 4, हाँ यही होगा माइनस, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5/12 आपका आंसर आ जाएगा. तो आई होप समझ में आ रहा होगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना काफ़ी आसान है, ठीक है? और हाँ, स्टैंडर्ड फंक्शंस के रिजल्ट तो आपको आने चाहिए. देखो क्यूब मैंने फर्स्ट लेक्चर में शायद बताया नहीं था, लेकिन इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ ना, क्यूब का x क्यूब का x स्क्वायर का x का इन सब का ग्राफ तो आपको आता ही होगा. और y बराबर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट, अंडर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमने क्लास 11th में फंक्शन चैप्टर में डोमेन रेंज ऑफ निकालना सीखा था, तब मैंने आपको ये सब बताया, ठीक है? तो इतनी उसकी ज़्यादा हमको इतना डीप में नहीं जाना है उसके लिए, बट देखो सिंपल आपको कर्व बनाना आ गया ना, ये ग्राफ देखो, ये x क्यूब ये रूट x, ये कर दिया यहाँ पर एक दूसरे में काटा, इस रीजन का एरिया निकालना है. और जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे आपको लिमिट्स पता चल जाएगी कि आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है. तो फिर इंटीग्रेशन तो हम पढ़ के आ चुके हैं, इंटीग्रेट करना तो हमें आता ही है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x² + y² = 4. देखते ही समझ में आ रहा है ये इक्वेशन, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, x² + y² = a² एंड x = √3y, ये स्ट्रेट लाइन है, x = √3y लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो सबसे पहला काम तो आप क्या करो, ग्राफ बनाना नहीं आता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. वैसे तो बहुत ईजी है, इसका ग्राफ आना चाहिए, नहीं भी आ रहा है, ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहला काम जिसको ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत, वो सबसे पहला काम क्या करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा. तो x = √3y इसमें डाल देता हूँ, तो हो जाएगा √3y² + y² = 4, है ना? ऐसा हो जाएगा, √3y² हो जाएगा 3y² 3y² + y² = 4, तो हो जाएगा 4y² = 4. तो
तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, है ना। इतना तो समझ में आता होगा यार, इसका तो हमने नाइन्थ एट्थ नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हैं फैक्टराइज करते हुए। सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन हो गया। तो अब वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो अगर वाई इज इक्वल टू वन हुआ तो एक्स क्या हो जाएगा, रूट थ्री इंटू वन इज रूट थ्री, और अगर y इज इक्वल टू माइनस वन हुआ तो x क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री, ठीक है ना, बहुत ही आसान। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आ गए मेरे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए मेरा रूट थ्री कॉमा वन एंड माइनस रूट थ्री कॉमा वन, माइनस रूट थ्री कॉमा माइनस वन, जो मेरा ये किसी काम का होगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज दे रखी है मेरे को, लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसने कहा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया तेरे को काम आ रहा है बस उस रीजन का मुझे एरिया बता, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बनाते हैं ग्राफ। तो पहले तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, तो सर्कल है, ये बना दिया हमने सर्कल, थोड़ा सा अजीब हो गया, ठीक है, ये सर्कल है। आप सब मेरी ड्रॉइंग से तो वाकिफ ही हैं, तो आप देख लीजिए ये सर्कल है और ये 2,0 है, ये 0,2 है, ठीक है ना, वो -2,0 है और x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई। अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो होगा रूट थ्री कॉमा वन, और ये हमारे किसी काम का नहीं, ये बकवास, क्योंकि ये तो जाएगा कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर, यहाँ तो हमें जाना ही नहीं, हमें तो यहाँ से मतलब है। तो रूट थ्री कॉमा वन, तो रूट थ्री कॉमा वन कहाँ होगा, x रूट थ्री वाई वन, रूट थ्री का मतलब क्या होता है 1.732, यानी 2 से जस्ट पहले यहाँ पर होगा रूट थ्री कॉमा वन और x की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी, है ना। तो ये कर्व कहीं यहाँ मिल जाएगा ना, ये मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूँ। तो और x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई, एक स्ट्रेट लाइन है जो कैसे जारी होगी, ऐसे जारी होगी, है ना, इस तरीके से ऐसे जारी होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका थोड़ा सा मुझे है ना घुमा के बनाना पड़ेगा, ताकि इसमें ये यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन कर देता हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये इस तरीके से, है ना, ये वो पॉइंट हो गया, ये बोला कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रूट थ्री कॉमा वन, ये हो गया मेरा रूट थ्री कॉमा वन, ठीक है, ये हाँ, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ हो गया, देखो ग्राफ ऐसा है, हालांकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस रूट थ्री कॉमा माइनस वन भी है, मतलब वो कहीं यहाँ हो जाएगा, है ना, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि सवाल वाले ने बोला है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया मेरे काम आ रहा है, जो बाउंड हो रहा है, वो कौन सा है, आप ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एरिया ध्यान से देखिए, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला एरिया, इतना एरिया प्लस ये बचा हुआ एरिया, है ना, ये देखो ये जो पॉइंट है ये है 0,0, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है रूट थ्री कॉमा वन, ठीक है, और ये बाकी का एरिया, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। सो एक बार और देख लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रूट थ्री कॉमा वन एंड माइनस रूट थ्री कॉमा माइनस वन, हमें निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाउंड होना वाला एरिया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड कौन सा एरिया हो रहा है, ये लाइन और कर्व का कौन सा एरिया, ये। अच्छा उससे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये रूट थ्री कॉमा वन है, यानी ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से ये मैं बता सकता हूँ, ये हो गया मेरा रूट थ्री कॉमा वन, है ना। तो मेरा जो एरिया मुझे फाइंड आउट करना है बेसिकली ये भी है, ये जो पॉइंट है ये है माइनस रूट थ्री कॉमा माइनस वन, लेकिन मुझे यहाँ जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये पूछा नहीं गया, मुझे ये वाला पार्ट पूछा गया है, ठीक है, ये लाइन यहाँ से जा रही है, तो ये ऑफकोर्स क्या है, ये 0,0 है, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि आपको किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ये मैंने ग्राफ बना दिया, सर्कल लाइन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपके लिए पहले निकाल चुका हूँ रूट थ्री कॉमा वन एंड माइनस रूट थ्री कॉमा माइनस वन, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये काम का है। तो ये बताया मैंने, देखो ये लाइन यहाँ होगी तो ये होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रूट थ्री कॉमा वन, ये है टू कॉमा जीरो और ये है जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, तो मेरा जो एरिया मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरे काम आ रहा है इस लाइन और सर्कल से बाउंडेड, तो वो कौन सा एरिया है, ये वाला पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाला कर्व का एरिया, ये वाला। ठीक है ना, आई होप ये समझ आ रहा है, ये मैं आपके लिए एक लाइन। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छी बात, तो देखिए मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे ये रीजन जो है ना, ये रीजन इसका एरिया निकालना है। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ मैं सब्ट्रैक्टिंग करूंगा, यहाँ मैं जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ट्राइंगल, ये दिख रहा है आपको, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, इतना पार्ट। ये देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो इतना पार्ट ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके लिए मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। आप देखो मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको पॉइंट बी नाम दे देता हूँ, इसको पॉइंट सी नाम दे देता हूँ, इसको डी नाम दे देता हूँ। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला ए बी सी, ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका एरिया निकालना है। तो इतना पार्ट तो क्या है, इतने पार्ट का एरिया तो क्या है, इतने पार्ट का एरिया ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस और रिमेनिंग एरिया क्या हो गया, रिमेनिंग एरिया ये हो गया, रिमेनिंग एरिया क्या हो गया, इस कर्व का एरिया। देखो ये जो कर्व है ना, ये कर्व लाइन डिजाइन, ये कर्व का एरिया हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है। ठीक है ना, तो रिमेनिंग एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना है ये वाला, तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री से लेकर टू, रूट थ्री से लेकर टू, ये कर्व यानी सर्कल वाला एरिया। सर्कल वाला एरिया क्या है, मुझे x के फॉर्म में लिखना है, तो y स्क्वायर इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, इतना पार्ट हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, इतना पार्ट हो गया इस सर्कल का कर्व, ये जो कर्व वाला पार्ट है ना, क्योंकि राइट एंगल, ये कर्वेचर का एग्जैक्ट एरिया, तो हम कर्वेचर का एरिया निकालने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये तो क्या है, ये तो टू डायमेंशनल फिगर, जैसे ट्राइंगल रेक्टेंगल है ना, स्क्वायर, इन सबके एरिया तो हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो हो गया ना, ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो गया इतना, है ना। आप चाहो तो इसको इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं जब भी ट्राइंगल आ गया तो ट्राइंगल का डायरेक्ट एरिया निकालूंगा, और रिमेनिंग पार्ट है मेरा इतना, इसका एरिया में इंटीग्रेशन से निकाल लूंगा। ठीक है ना, मैंने लिमिट्स एक्स की अप्लाई की है, तो मुझे इस कर्व को x के फॉर्म में लिखना होगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर, तो ये हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या होती है भाई, बेस होती है ये चीज, ये है ना, तो बेस कितना है इसका, इसका बेस कितना है, इसका बेस दिख रहा होगा आपको, इसका बेस यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, रूट 3 है, बेस कितना हो गया इसका, रूट 3, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1, है ना, इसकी हाइट कितनी है 1, तो ये हो गया हाफ इंटू रूट 3 इंटू 1। तो ये तो हो गया हमारा इस पार्ट का एरिया, प्लस इसका एरिया हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं कंप्लीट। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स बाय टू इंटू एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाय टू, दैट मीन्स 4 बाय 2 इज टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इस पर लगा देंगे हम लिमिट्स रूट 3 से लेकर 2 की। ठीक है, तो ये पार्ट तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ गया, दैट इज रूट 3 बाय 2, है ना। देखो ये मैंने ना ट्राइंगल के एरिया से कर दिया, आप चाहो अगर ये स्ट्राइक नहीं किया दिमाग में, तो आप क्या करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन का एरिया निकाल लो, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कर्व का एरिया निकाल लो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि ये देखो ये लाइन, ये जो है ना, ये लाइन यहाँ पर रूट 3.1, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी तो है ना, स्ट्रेट लाइन, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो इस
इस रीजन का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, इस लाइन में कितनी जगह ली यहाँ तक, फिर यहाँ तक का काम खत्म हो गया, और फिर इतना सा एरिया जो हमें निकालना है वो इस कर्व का निकालना होगा, है ना। तो ये मैंने बेस इंटू हाइट इंटू हाइट इससे किया ट्रायंगल से, आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, यही चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर रूट थ्री, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस लाइन का एरिया, जीरो से लेकर रूट थ्री वाई डी एक्स, तो वाई में ये चीज लिखूंगा, है ना, वाई डी एक्स मतलब जीरो से लेकर रूट थ्री एक्स अपॉन रूट थ्री डी एक्स, ठीक है, एक्स इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा, तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, लेकिन बीच में इस बार प्लस आएगा, है ना, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि हमें ये एरिया और ये एरिया जोड़ना है, तभी तो ये टोटल एरिया मिलेगा, ठीक है ना। तो कब जोड़ना है कब घटाना है वो हमें देख के समझ में आना चाहिए, ये तो इजी क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें घटाना होता है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें एरिया जोड़ना होगा, ठीक है ना। तो रूट थ्री बाय टू इससे ट्राइंगल से भी आ सकता है, और जीरो से लेकर रूट थ्री तक इस लाइन में कितनी जगह ली वैसे भी आ सकता है, ठीक है, दोनों से सेम ही आएगा। और इसका इंटीग्रेशन एक स्टैंडर्ड, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यहाँ लिमिट अप्लाई कर दीजिए आप, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो टू डालूंगा ना यहाँ पे, तो टू बाई टू, इधर टू डालूंगा तो जीरो, तो ये एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन साइन इनवर्स टू बाई टू वन बन जाएगा, साइन इनवर्स वन मतलब पाई बाई टू, पाई बाई टू इंटू टू पाई, तो अपर लिमिट लगा के आ गया पाई, अब आता है लोअर लिमिट, तो माइनस करेंगे, अब यहाँ लिखूंगा मैं थ्री, तो रूट थ्री बाय टू, और फोर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, फोर माइनस थ्री वन, तो ये हो गया रूट थ्री बाय टू माइनस टू इंटू रूट थ्री बाय टू, टू इंटू साइन रूट थ्री बाय टू, यानी कितना होता है 60 डिग्री, साइन पाई बाय थ्री, ये आंसर आ जाएगा हमारा, है ना, रूट थ्री बाय टू प्लस पाई माइनस रूट थ्री बाय टू, तो रूट थ्री बाय टू से रूट थ्री बाय टू कैंसिल हो जाएगा, और पाई माइनस टू पाई बाय थ्री, दैट इज पाई बाय थ्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा के डायरेक्टली वर्ब भी सॉल्व कर दिया, आप एक स्टेप ले सकते हैं, अपर लिमिट दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू लगाइए, माइनस फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रूट थ्री लगाइए, तो ये आएगा, तो अब ये रूट थ्री बाई टू से रूट थ्री बाई टू का माइनस कैंसिल हो जाएगा, पाई वैसे टू पाई बाई थ्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई थ्री आएगा। तो इस तरीके से ये हम इस रीजन का एरिया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी देखो ऐसा सिनेरियो बना ना, लाइन एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाए करने, मतलब उस रीजन में जहाँ जिस रीजन का आपको एरिया निकालना है, तो उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इस तरीके से तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि जीरो से लेकर रूट थ्री तक इस लाइन को रहने के लिए जगह कितनी लगेगी, तो या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर इंटीग्रेशन के फॉर्म में करना चाहते हो तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर, जो आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस समझे हैं, वो सारे क्वेश्चंस कैसे थे, दो रीजन्स से बाउंड होने वाला, मतलब दो कर्व्स से बाउंड होने वाले रीजन का हमें एरिया कैसे निकालना है उस पे बेस्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अब एज सच इसमें कोई टॉपिक तो नहीं है एरिया अंडर द कर्व में, पहले स्टैंडर्ड फंक्शंस के रिजल्ट्स, मतलब स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ मैंने आपको बताया, बस ग्राफ का ही खेल है, ग्राफ बनाना अगर आपको आता है तो इसके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, है ना। तो ग्राफ और मेन जो चीज़ है एक ही टॉपिक है इसमें, जो हमें पढ़ना है वो है एरिया ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, है ना, वो हम ऑलरेडी अब कर चुके हैं, तो बस अब हमें इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर हमारा अच्छे से कमांड हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी टेक्स्ट बुक्स पहले जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है उसके दो तीन लेक्चर्स हो जाते हैं, तो आप क्या करिए, टेक्स्ट बुक, आपकी जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की मैथ सेकंड की जो बुक है, उसके एक्सरसाइज के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैक्सिमम जितने अटेम्प्ट कर सकते हैं वो करिए, मिसलेनियस का कोई भी एग्जाम्पल मत छोड़िए ना, तो वो धीरे धीरे पहले इजी लेवल के क्वेश्चन करिए, और फिर जब चैप्टर खत्म हो जाता है तब फिर मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, और जहाँ डिफिकल्टी आप किसी कॉन्सेप्ट में या किसी क्वेश्चन में फेस करते हैं तो वो मुझसे आप तुरंत डिस्कस करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।